नमस्कार दोस्तों, और अभी हम लोग बिलासपुर के रामा वैली में आए हुए हैं। और कहा जाता है कि ये भारत का सबसे गुस्सैल सांप है, और अगर इसके आसपास जाने से आप बच गए तो अपने आप को खुशनसीब समझिएगा। तो यही एक सबसे बड़ा एग्जांपल है कि ये जो सिस्टर है, इनके यहाँ पर भारत का सबसे गुस्सैल सांप है और इनकी जान बच गई। तो चलिए हम लोग दिखाते कि वो सांप कौन सा है। ये है सबसे गुस्सैल सांप, और वाकई में ये कभी भी ड्राई बाइट करने की गलती नहीं करता है। अगर इसका जो ये साउंड है, एक वार्निंग साउंड है, और अगर ये काट ले तो और सही समय पर ट्रीटमेंट ना मिले तो इंसान की मौत बहुत ही बुरी तरीके से होती है। ये इतना खतरनाक सांप है कि इसको 4 से 5 फुट जाकर मारने में भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आराम से किसी को बाइट कर सकता है। हम लोगों ने आखिरकार कुछ भी किया है, ये पहले खेत था, हमने इस खेत को उजाड़ा और उसके बाद वहाँ अपना रिहायशी इलाका बनाया, पर हमने इनके एरिया को डिस्टर्ब किया तो हमारा काम जाएगा कहाँ? इसका सामना हमसे होगा ही होगा। अगर रेस्क्यू के दौरान ये सब मुझे काटता है तो वाकई में मुझे भी हॉस्पिटल पहुंचने का समय नहीं मिलेगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गुस्से में और बहुत ह्यूज क्वांटिटी में मेरे ऊपर दहेज हो गया। सामने कोई मत आना। उसकी जगह इस सांप को कभी भी अजगर समझने की गलती मत कीजिएगा। आप ध्यान से देखिएगा, भूरे कलर में इसके ऊपर काले और सफेद रंग से गोल गोल छल्ले बने होते हैं, बीच में जो दूसरा डिजाइन भी मिलेगा, और इसका जो मुंडी होता है वो ट्रायंगुलर शेप में होता है। यह आप हमेशा याद रखेंगे, बहुत ही खतरनाक सांप है, और इसका जहर जो होता है वो हीमोटॉक्सिन होता है। अगर काटेगा तो आपका खून पर असर करेगा और किडनी फेल होने की वजह से आपकी डेथ हो जाएगी। और एक जो सबसे मुख्य बात मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी, जो हम लोग हर वीडियो में कहते हैं कि अगर स्नैक बाइट होता है तो आप फर्स्ट एड लीजिए और हॉस्पिटल जाइए। बट याद रखिएगा, जब भी ये सांप काटे, कोई भी वाइपर सांप काटे, आपको फर्स्ट एड नहीं लेना है, आपको जितनी जल्दी हो सके हॉस्पिटल जाना है, समय संभव तभी आपकी जान बच पाएगी। और मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, एज ए मैं रेस्क्यूअर एक्सपीरियंस की बेस पे, कुछ यंग बच्चे टीनेजर हमको देख के कॉपी करते हैं और रेस्क्यूअर बन जाते हैं, तो प्लीज आप लोग ऐसा कतई ना करें, क्योंकि ये काम एक्सपर्ट।
इस सांप को लेकर कभी मजाक मत करिए, कभी कोई प्रैक्टिस मत करिए। ये देखिए कैसे काट रहा है, जहर छोड़ रहा है। अब इसके जहर के दांत देखिए, जो भारत में सबसे लंबे होते हैं। और हम लोग इस दांत दिखाने का माध्यम हमारा यही है कि लोग अभी भी इसे अजगर समझ कर, खास करके यंग कमर, इसे खिलवाड़ करते हैं और कई बैड केसेस में उनकी मौत हो गई है। देखिए जहर कैसे टपक रहे हैं। दोस्तों ये सांप सबसे खतरनाक सांप है भारत का, और 360 डिग्री इसके लिए कुछ नहीं है, और 4-5 फाट 360 डिग्री का मतलब ये है कि कहीं भी किसी भी एंगल में हमला कर सकता है, और ये पीछे भी देखता है। आप धोखे मत रहिएगा। पकड़ते हैं, छोड़ते हैं। दोस्तों हमारे पास रेस्क्यू बैग ना होने की वजह से आज हम लोग बोरे का यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमारे दोनों रेस्क्यू बैग इंगेज है। नहीं, गन गिफ्ट कर दो इसको। अरे कैमरा है बेटा, वो करो मार दूँ हमारा। देख दिख रहा ना। अभी जिस सांप को हम लोगों ने रामा वैली से पकड़ा था, रसल बाई पर है, उसको हम लोग नेचुरल प्लेस में ला के छोड़ रहे हैं, ताकि इंसान और ये रेप्टाइल दोनों सेफ रहें। इंसान के साथ साथ कोई जीव जंतु संपर्क में ना इसके, इतना खतरनाक सांप है। बाप रे, मर्जी से जाएगा।